वेलकम टू बोल्डी स्ट्रेसफुल किचन। हम एक और रेसिपी के साथ आए हैं जो व्रत में खाने वाले हैं, और ये है सामक के चावल की खीर। ये सामक के चावल हैं जो व्रत में खा सकते हैं, इनको बर्नयार्ड मिलेट भी कहते हैं। 1 टीस्पून हमने घी लिया है, देसी घी है। कुछ बादाम को सोख करके मैंने उनके फ्लेक्स काट लिए हैं। पिस्ता है, ये आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 लीटर मैंने दूध लिया है, और ये 1.5 टेबलस्पून मैंने शुगर ली है। आप इसको भी टेस्ट करके कम ज्यादा कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमने पैन में, कढ़ाई में 1 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम घी लिया है, और ये चावल जो हैं हम सूखे ही चावल इसमें डाल देंगे और इसको हल्के से भूनेंगे। बिल्कुल सिम गैस पर हम इसको भूनेंगे, नहीं तो जल जाएगा। और कोशिश कीजिए कि नॉनस्टिक पैन में ही इसको बनाएं, तो ये नीचे लगेगा भी नहीं। और ये खीर बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। मैंने कुछ और रेसिपी लास्ट ईयर डाली थी जिनका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि ये बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी हैं, हेल्दी रेसिपी हैं। मैं डीप फ्राई अभी आपको कुछ नहीं बता रही हूँ, तो ये आप जरूर ट्राई कीजिएगा। बिना व्रत के भी आप इसको खा सकते हैं। जिनका फास्ट नहीं है और वो खाना चाहते हैं तो वो भी खा सकते हैं। तो ये करीब करीब भुन गया है। आप यहाँ पूछेंगे कि भुनने का पता कैसे चलेगा, तो बस हल्का सा क्रिस्पी हो जाता है अगर आप टेस्ट करेंगे। तो अभी हम डालेंगे इसमें दूध। गैस की फ्लेम को थोड़ा तेज करेंगे और बॉईल आने तक हम इसको चलाते रहेंगे ताकि जो सामक के चावल हैं वो नीचे लगे नहीं। और बहुत अच्छी ये खीर बनती है। देखिए बॉईल आना शुरू हो गया है, और ये हमने येलो लाइट को बंद कर दिया है। ये फ्लेम में हमारा जो है वो इसका पलटे का रिफ्लेक्शन पड़ रहा था। तो ये देखिए बॉयल हो गया है। अब हमें इसे चलाने की जरूरत नहीं है, अब हम इसको सिम करके पकने देंगे। और दूध हमने फ्रेश लिया है, तो फ्रेश दूध की बनाइए। ये देखिए आपको दिख रहा है ना राइस ऐसे, लेकिन अभी ये मिक्स नहीं हुआ है। जब तक ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए, गल ना जाए, तब तक हम इसको पकाएंगे। इसमें हम ये शुगर डाल देंगे। मैंने बहुत कम यूज की है, 1.5 टेबलस्पून। मैं आपको यहाँ फिर से कहूंगी, आप टेस्ट करके देख लीजिए और आप कम ज्यादा अपने तरीके से कर सकते हैं। यहाँ मैं इसमें थोड़ा सा पकने के बाद इलायची पाउडर भी डालूंगी। और इस समय जब डिजोल्व हो जाए शुगर आपकी, घुल जाए अच्छे से, तो आप चक्कर देख सकते हैं। यह इलायची पाउडर है, रेडीमेड है, आप घर में भी बनाकर कूट कर यूज कर सकते हैं। तो इसको हम डालेंगे लास्ट में। ये मैं इंग्रेडिएंट्स में नहीं दिखा पाई। ये देखिए परफेक्ट, बहुत ही अच्छा ये बन रहा है। थोड़ी सी देर और इंतजार करते हैं। ये देखिए 3-4 मिनट में ही ये गाढ़ी हो गई है, और ये हम डाल रहे हैं इसमें इलायची पाउडर। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी, और ये रखी रखी भी ना गाढ़ी हो जाती है। तो ये आपके पलटे पर जब इस तरह से लगने लगे ना, पहले हमारे पास पलटे पर ऐसे आ नहीं रहा था, अब हमने इसको चक्कर भी देख लिया, ऐसे सॉफ्ट है, बहुत गल गई है बहुत अच्छे से। कुछ बादाम के टुकड़े हम इसके अंदर डालेंगे और कुछ से हम गार्निश करेंगे। गैस को कर देंगे ऑफ, क्योंकि ये रखी रखी भी बहुत गाढ़ी हो जाती है, लेकिन उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर रखी रखी गाढ़ी हो जाती है तो आप थोड़ा सा गर्म दूध उसमें और ऐड कर सकते हैं और उसको पतला कर सकते हैं। तो ये हमारी जो है रेसिपी तैयार है, इसकी करते हैं हम प्लेटिंग। ये देखिए बन गई ना परफेक्ट, ये थिक हो चुकी है और भी हो जाती है ये। तो अब हम इसको ऊपर से करते हैं गार्निश पिस्ता से, बादाम से। और आप बनाइए और बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपकी रेसिपी कैसी बनी,
आपको पसंद आई कि नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।